अगला शाप है संतान का शाप। क्या होता है ये? अगर कुंडली में पंचम भाव आपका खराब हो तो ये शाप जीवन में पैदा हो जाता है। पंचम भाव से राहु या शनि का संबंध हो तो भी ये शाप पैदा होता है, ये शाप जीवन में आ जाता है। ये शाप ऐसे लोगों के जीवन में ज्यादा होता है जो बार बार एबॉर्शन करवाते हैं, बार बार गर्भपात करवाते हैं। देखिए, पत्नी की जान बचाना जरूरी है तो बात दूसरी है, मजबूरी है, आपने मजबूरी के तहत एबॉर्शन करवाया वो बात जस्टिफाइड है, लेकिन आप वैसे ही बार बार गर्भपात करवाते हैं कि संतान अभी नहीं चाहिए, अभी इंतजार करो, अभी वेट करो, तो ऐसी स्थिति में ये शाप आपके जीवन में आएगा, ज्यादा होगा, इसी जन्म में आएगा, नहीं तो अगले जन्म में जाएगा। संतान के दायित्व का निर्वहन अगर आप नहीं करते तो भी ये शाप जीवन में पैदा होता है। पूर्व जन्मों में आपने अपने संतान का दायित्व नहीं निभाया था, इस जन्म में उसका कर्म भुगतिए शाप के रूप में। इसके कारण संतान से पीड़ा भी होती है। संतान का व्यवहार, उसका स्वभाव, उसकी चीजें जीवन में कष्ट का कारण बनती हैं और कभी कभी संतान होकर भी नहीं रहती है। देखिए, कर्म गलत सही किसी से भी हो सकते हैं, लेकिन कर्मों को सुधारने का प्रयास हम सबके हाथों में है। इसी समय से, इसी क्षण से आप अपने कर्मों को सुधारिए। और याद रखिए, जब आप भगवान की शरण में चले जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान का ये दायित्व है कि वो आपके जीवन की देखभाल करें, और वो करते भी हैं। इसीलिए शाप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शाप का निवारण करिए और आगे से सुधर जाइए। क्या उपाय करें अगर संतान का शाप हो? संतान को प्रेम करिए, उसके दायित्वों का ठीक से निर्वहन करिए। देखिए, संतान को सुधारने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए आप अपनी संतान को मार देते हैं, पीट देते हैं, डांट देते हैं, तो ये बात जेन्युइन है, लेकिन आपके अंदर दुनिया भर के फ्रस्ट्रेशन हैं, आप जीवन में असफल हैं और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन अपने छोटे से बच्चे पे निकाल रहे हैं, तो ये महापाप है। याद रखिए, आपका फ्रस्ट्रेशन आपके बच्चे के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और संतान के ऊपर फ्रस्ट्रेशन इसलिए निकालते हैं क्योंकि जानते हैं कि वो विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपा करके ये सब मत करिए, संतान को प्रेम करिए, उसके दायित्वों को ठीक से निभाइए। रोज सुबह और शाम भगवान शिव की उपासना करिए गणेश जी के साथ। भगवान शिव पिता और गणपति उनके पुत्र हैं। भगवान शिव की उपासना गणेश जी के साथ रोज सुबह शाम करिएगा, और रोज सुबह के समय खास तौर से गणेश जी के द्वादश नामों का, 12 नामों का पाठ करिएगा। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, संतान शाप से आप मुक्त होंगे।